नमस्कार, स्वागत है आपका केगीआर न्यूज में। हूँ आपके साथ कंचन सिंह राज। तो ये शुरुआत करते हैं खबर की। पूरा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले डेरा खाड़ी बफर वन परिक्षेत्र में इन दिनों ठीक ठाक नहीं चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजीपानी गांव के ग्रामीणों को सीता डोंगरी गांव में स्थापित किया गया है। यहाँ प्रक्रिया बफर रेंजर भूरा गायकवाड़ एवं उनकी टीम द्वारा कराई जा रही है। बस्तर पर ग्रामीण आयुक्त प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि बफर के रेंजर भूरा गायकवाड़ द्वारा उनसे विस्थापन प्रक्रिया के बदले 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। मेरे द्वारा मना कर दिया गया तो उक्त रेंजर भूरा गायकवाड़ ने मेरे खाते पर रोक लगा दी और मेरे द्वारा शिकायत करने के उपरांत भूरा गायकवाड़ रंजन ने कहा, तुम्हारे द्वारा मेरी शिकायत की जा रही है, इसके परिणाम तुम्हें भुगतना होंगे, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। कई प्रकार की धमकियां गायकवाड़ के द्वारा दी जा रही है। इतना सब हो जाने के बाद भी सतपुरा बफर के अधिकारियों ने अयोध्या प्रसाद यादव की शिकायत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मीडिया के माध्यम से अयोध्या प्रसाद यादव ने फील्ड डायरेक्टर सतपुरा टाइगर रिजर्व SL कृष्णमूर्ति में उचित न्याय की मांग की है और कहा कि भूरा गायकवाड़ द्वारा जबरदस्ती मुझसे पैसों की मांग की जा रही है। मुझ पर, मेरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। पैसे नहीं रहने पर गायकवाड़ मेरे साथ गठित कर सकते हैं। अयोध्या प्रसाद ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करने की मांग शासन से की है। गायकवाड़ के द्वारा ग्रामीणों को परेशान करने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों ने कहा है इनके कार्यकाल में जमकर फर्जीवाड़ा अवैध कटाई हुई है, जिसकी भोपाल स्तर पर जांच अगर हो तो भूरा गायकवाड़ द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े का खुलासा होगा। स्थानीय लोगों में भूरा गायकवाड़ के क्रियाकलाप को लेकर भारी रोष व्याप्त है। माखनगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। मैं अयोध्या प्रसाद यादव ग्राम डुंडी भाजीपानी का मूल निवासी हूं, जो कि सीता डोंगरी में हमें वन विभाग द्वारा विस्थापित किया गया। विस्थापित में हमको 15 लाख रुपए की सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया। उसी मुआवजा के चलते मेरा रेंजर साहब ने SDO पेपरिया से मेरा होल्ड लगवा दिया गया और मुझसे कहा कि तू किसी भी प्रकार से शिकायत करेगा तो हम तेरे को ऐसा प्रकरण बना के अंदर करेंगे कि तू भी जन्म जेल से नहीं छूटेगा। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि मुझे इस प्रकार से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा बैंक का पैसा रोक दिया है। मेरा पैसा नहीं निकल रहा, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अयोध्या प्रसाद यादव ग्राम डुंडी भाजीपानी का मूल निवासी हूँ और मुझे मुआवजा नहीं देने के चलते मैंने रेंजर साहब की शिकायत की तो रेंजर साहब ने मेरे को बोल रहा है कि तेरे को डायरेक्ट हम ऐसा प्रकरण बना के अंदर भेजेंगे जेल में ताकि तू भी हमारा जन्म नाम लेगा। डिप्टी साहब ने भी ऐसा ही बोला, राकेदार साहब भी बोल रहे हैं कि यदि तू और ज्यादा शिकायत करेगा तो हम तेरे को ऐसा प्रकरण बना के जेल भेजेंगे कि तू भी हमारा कुछ दिन नाम लेगा, तेरे को जन्म नहीं निकलने देंगे जेल से। ऐसा बोला। मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि मुझ पर दया करें और मुझे इस प्रकार से प्रताड़ित ना किया जाए। मुझे रेंजर साहब एवं डिप्टी साहब हंद्रे एवं नाकेदार साहब द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि तू ज्यादा शिकायत करेगा तो हम तेरे को ऐसा प्रकरण बनाकर जेल पहुंचाएंगे कि दोबारा तू हमारा भी नाम लेगा। इसलिए मैं शासन से गुजारिश करता हूं कि मेरी सही देखा जाए और मेरा बैंक से होल्ड खुलवाकर मुझे न्याय दिया जाए, मुझे न्याय दिया जाए। मैं अयोध्या प्रसाद यादव ग्राम डुंडी भाजी पानी का मूल निवासी हूं। मुझे फॉरेस्ट वन विभाग द्वारा हम 61 लोगों को पात्र किए गए। पात करने के बाद सीता डोंगरी ग्राम में विस्थापित किया। विस्थापित करने के बाद रेंजर साहब ने मुझसे 2.5 लाख रुपए की मांग की, जो मैंने देने से मना किया तो मेरे बैंक पर SDO साहब से होल्ड लगवा दिया और बोले हम सरकारी आदमी है, हम जो कलम चलाते हैं तो हमारी कलम सरकार मानती, तेरी कलम कोई नहीं, तेरा कुछ नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तू 2.5 लाख रुपए दे दे और शिकायत नहीं करना, यदि शिकायत करेगा तो। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। We'll be right back.